उत्तर प्रदेश के रामपुर से समय बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी खबर आ रही है। रामपुर की एक फेयर एक्सपोर्ट फैक्ट्री में हादसा हुआ है जिसमें 2 मजदूरों की मौत हुई है, वहाँ 2 से ज़्यादा मजदूर घायल हुए हैं और इसके बाद वहाँ अफरा तफरी का माहौल है। घायलों को उपचार के लिए रामपुर जनपद के पड़ोसी जिले मुरादाबाद में भेजा गया है। वहीं पुलिस ने भी मौके पर जाकर निरीक्षण किया है। SP रामपुर ने कहा है कि मामला संज्ञान में लिया गया है, तहरीर का इंतजार है, तहरीर जैसी मिलेगी वैसी ही कार्रवाई की जाएगी। देखिए रामपुर SP ने क्या कहा है और एक रिपोर्ट, हादसा कैसे हुआ। प्रदीप भाई, आप भी वहीं पे थे, क्या हुआ था इनके साथ? मैं प्लान तो नहीं था, मैं बाद में पहुंचा वहां पे जब ये लोग लेकर आ रहे थे। आपने अपना क्या देखा वहां पे? वहां पे उसी जगह सब भीड़ लगी हुई थी, मारुति में डाल रहे थे, अब पता ही नहीं क्या हुआ, अब यहाँ का पता चला क्या। ये फेयर एक्सपोर्ट का फैक्ट्री है यहाँ पे मीट की, उसमें इनका जो वेस्ट होता है उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं उसका कोई होता है गड्ढा वड्ढा, उसमें एक मजदूर इनका स्लिप कर गया था, उसको बचाने के लिए 2 और उसमें गए, तो उसमें 2 व्यक्तियों की, एक आध और गए होंगे, तो कुल उसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, 2 मजदूरों की इनकी, और 2 मजदूर इनके घायल हैं जो कॉस्मॉस हॉस्पिटल है मुरादाबाद वहाँ भर्ती हैं। तो अभी मैंने भी इंस्पेक्टर को कॉस्मॉस ही भेज दिया है, तुम जाके देखो उनके इलाज की क्या पोजीशन है। तो ट्राई हम ये कर रहे हैं कि उनका इलाज देख लें, और 2 तो बेचारे दुर्भाग्य से नहीं रहे। तो नाम उनका अगर आप जानना चाहते हैं तो एक फैजुल अली हैं, ये आसाम के रहने वाले हैं, एक फाजिल मियां हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। प्रबंधक खिलाफ कार्रवाई हुई है? अभी देखो तहरीर वगैरह आने दीजिए, अब प्रबंधक क्या जिसका जो रोल होता है देखा जाएगा कि एक्सीडेंट है कि क्या लापरवाही है क्या चूक है, जैसा भी तहरीर आती है जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा वैसी कर। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रॉयल खंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।